गुड मॉर्निंग हिमाचल। दिस मॉर्निंग बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय कौटिल्य कोचिंग क्लासेस हमीरपुर। करवा बनाने के लिए नहीं मिल रही मिट्टी, कांगड़ा के कारोबारियों ने बाहर से इंपोर्ट किए मिट्टी के बर्तन। नाहन में फूंका जिहाद रूपी दानव का पुतला, हिंदू जागरण मंच ने उठाया कड़ा कदम। नेरवा के होनहारों को सम्मान, कई परीक्षाओं में पा चुके हैं मुकाम। किसानों को नहीं मिल रहा अदरक विकास केंद्र का कोई लाभ। मंडी जिला के 74 गांवों का होगा कायाकल्प, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना से बदलेगी तस्वीर। अब समाचार विस्तार से। कांगड़ा जिला के कई इलाकों में इस बार करवा चौथ पर अजीब सी उलझन है। इस बार कारोबारियों को करवे की मिट्टी नहीं मिल रही, ऐसे में उन्हें ये करवे बाहरी राज्यों से मंगवाने पड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता रामस्वरूप शर्मा ने नगरोटा सूर्या बाजार का दौरा किया। वहां कारोबारियों ने बताया कि उन्होंने ज्यादातर माल बाहर से मंगवाया है। उनके पास करवे 20 से लेकर 150 रुपए की रेंज में है। उधर करवा चौथ को लेकर मनियारी की दुकानों पर खूब खरीद हो रही है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बहरहाल चिंता की बात यह है कि लोग अब कोरोना से बेपरवाह हो गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गए हैं, ये सभी पर भारी पड़ सकता है। पर करवा चौथ का सीजन कैसे चल रहा है आपका, और आपकी जो चूड़ियां वो कितने रुपए की दर्जन से लेके कितने तक हैं, और हमें ये बताया जाए कि सबसे ज्यादा किस चूड़ी की सेल हो रही है, करवा चौथ का व्रत कैसे चल रहा है? अब तो अच्छा ही चल रहा है, तो ब्याह शादी का सीजन है वो भी चल रहा है, साथ में करवा चौथ का जो है वो भी सीजन चल रहा है। चूड़ी वैसे तो 20 और 50 रुपये दर्जन है, जो डब्बी की चूड़ी है 150 रुपये से जाके 200 रुपये दर्जन तक है। कौटिल्य कोचिंग क्लासेस हमीरपुर, जहां पर नीट जेईई और एनडीए जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। अकेडमी की निदेशिका शिवानी त्रेहन शर्मा के अथक प्रयासों का परिणाम ही है कि मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और डिफेंस फोर्सेस में यहां से निकले छात्र छात्राएं न केवल अपना लक्ष्य पाने में समर्थ हुए हैं, बल्कि अपने हाथों से लाखों लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0192722214569418787444। देश में बढ़ते जिहाद पर उग्र हिंदू जागरण मंच की सिरमौर इकाई ने जिला मुख्यालय नाहन में रोष प्रदर्शन किया। जागरण मंच ने जिहाद रूपी दानव का पुतला फूंका। इस अवसर पर नाहन के रानी झांसी पार्क में पहले हरियाणा के फरीदाबाद में लव जिहाद की शिकार निकिता तोमर को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद अनेकों कार्यकर्ताओं ने रोष जुलूस निकालकर दिल्ली गेट पे जिहाद का पुतला फूंका। मंच के जिला अध्यक्ष अंकुर अग्रवाल ने जिहाद के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग की है। दुख और आक्रोश के साथ परसों हरियाणा में फरीदाबाद बल्लभगढ़ में लव जिहाद शब्द बड़ा सुना सुना सा है, लेकिन इसके परिणाम अब सामने आ रहे हैं। उसका शिकार हुई एक युवती निकिता, मैं उसे शिकार नहीं कहूंगा, शहीद कहूंगा, क्योंकि उसने अपना धर्म, अपना समाज छोड़ने से इनकार किया। उसने अपने आप को सामने रखकर मजबूती से सामना किया तो उसको पॉइंट ब्लैंक से एक जिहादी ने गोली मार दी और वो लड़की शहीद हो गई। उसी के दुख और आक्रोश को प्रकट करने के लिए हिंदू जागरण मंच आज यहाँ रानी झांसी पार्क नाहन में एकत्रित हुआ है। सर्व हिंदू समाज आज यहाँ पर इकट्ठा है। लगातार ये जिहादी घटनाएं इस देश में बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही वाकया परसों चंबा तीसा में हुआ, एक हिंदू भाई की टांग काट दी गई सिर्फ इसलिए कि उसने कुछ जिहादियों को अपने खेत में घुसने से मना किया था। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल नेरवा में 2020 सत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करने वाले छात्रों के लिए एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय महाविद्यालय नेरवा के प्रोफेसर डॉक्टर रमेश भारद्वाज मुख्य अतिथि तथा अमन शर्मा विशेष अतिथि के रूप में शरीक हुए। मुख्य अतिथि ने इस साल जेईई टेस्ट पास करने वाले स्कूल के पूर्व छात्रों भाई बहन मीरान व नाजिश शेख तथा नीट परीक्षा में सफल होने वाली आरजू शेख को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इसके अलावा दसवीं और जमा दो की बोर्ड परीक्षा में 80% से अधिक अंक अर्जित करने वाले 40 अन्य छात्रों को भी सम्मानित किया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य केवल राम चौहान ने स्कूल के इन होनहारों को बधाई दी है। जी मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, बड़ी प्रसन्नता की का विषय है कि हमारे विद्यालय से संबंधित मीरान, नाजिश और आरजू दो ने, एक ने आईआईटी, एक ने एनआईटी और एक ने नीट
क्वालिफाई किया गया, और एक और छात्र इसी विद्यालय का जो आज उपस्थित नहीं है, सागर गोप्ता, उसने भी नीट क्वालिफाई किया है और विद्यालय के कीर्तिमान में एक नया जो अध्याय है वो जोड़ा। तो उसके लिए मैं बहुत अभिभावकों को, अध्यापकों को और इन बच्चों के को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। कृषि विभाग द्वारा किसानों को अदरक का उन्नत बीज उपलब्ध करवाने तथा उन्हें खेती की नवीन तकनीक सिखाने का सपना टूटने लगा है। करीब 6 दशक पहले शुरू किया गया जिंजर डेवलपमेंट सेंटर संगड़ा के हरलो में आज के समय में अनदेखी के चलते सफेद हाथी साबित हो रहा है। 100 बीघा के इस फार्म में इस बार केवल 1 बीघा ही अदरक उगाया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा हालांकि इस फार्म को अदरक पर अनुसंधान करने व किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध करवाने के लिए तैयार किया गया था, मगर आलम यह है कि यहां ना तो अदरक पर कोई अनुसंधान हो रहा है और ना ही किसानों को इससे कोई अन्य लाभ मिल पा रहा है। विभाग के अनुसार स्टाफ के अभाव में यहां केवल 1 बेलदार नियमित रूप से तैनात है, जिसके चलते फार्म के कुछ हिस्से में दाल व तिलहन उगाए गए हैं तथा शेष भाग बंजर पड़ा है। हरलो फार्म में कृषि प्रसार अधिकारी का पद लंबे अरसे से खाली है। इस अदरक विकास केंद्र सहित विकास खंड संगड़ा में कृषि प्रसार अधिकारी के कुल 8 से 6 पद खाली हैं। बहरहाल सरकार को इस दिशा में जल्द कदम उठाना चाहिए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नौहराधार से संजीव ठाकुर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में मंडी जिला के चयनित 74 गांव का कायाकल्प होगा। योजना के तहत चयनित प्रत्येक गांव के विकास के लिए गैप फिलिंग फंड के तौर पर 20-20 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा विभिन्न विभागों की योजनाओं के तहत अन्य विकास कार्य होंगे। ये जानकारी उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने इस योजना की समीक्षा बैठक में दी। ऋग्वेद ठाकुर ने निर्देश दिए कि चयनित गांव में जहां अभी ग्राम विकास योजना नहीं बनाई गई है, वहां 1 महीने के भीतर इस काम को पूरा किया जाए। उसमें गैप फिलिंग आप कर लो, जैसे कोई अगर मान लो आपने कोई सामुदायिक भवन वगैरह वहां पर बनाना है, उदाहरण तौर पर, ऐसा नहीं कि सभी लोग सामुदायिक भवन ही डालते हैं, अगर सामुदायिक भवन किसी ने बनाना है वहां पर, आपको लगता है कि लोगों के लिए सुविधा हो सकती है शादी ऑर्गेनाइज करने के लिए या कोई और सामाजिक गतिविधियां ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो उसमें आप इसमें सोच सकते हैं कि कहीं मनरेगा से आप इन कन्वर्जन इसमें डालो, 60-40 का जो कम प्रॉब्लम आती है वो आप इससे दूर करें। इस तरह की आपको कुछ इनोवेटिव सोच करनी पड़ेगी और बाकी विभागों से भी आग्रह है थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। उसके लिए ये लिस्ट जो है 74 विलेजेस की, ये आप सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो बजट अपना अगले साल का होगा 2021-22 का बजट होगा, उसकी तैयारी आपसे शुरू हो जाती है। आपसे इस एरिया में जो जिला अधिकारी है, जिला स्तर के जितने अधिकारी है, आप अपना होलिस्टिक तरीके से अपने एरिया में देखें, और इन जगहों पर अगर आपको गैप फिलिंग की आवश्यकता महसूस होती है तो कहीं उस चीजों को प्रमोट करें ताकि वो SC ST सप्लान में कवर किया जाए।